अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम डिस्कस करेंगे एडिनोइड्स को। एडिनोइड्स आपको पता है कि बच्चों में सबसे कॉमन बीमारियों में से एक बीमारी एडिनोइड्स है, और डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये हाईली कॉमन है। अब एडिनोइड्स क्या होते हैं? अगर ये आपका नाक है तो हर किसी का नाक पीछे जाके वो गले में खुल रहा होता है, और यहाँ पे उसके नॉस्ट्रेल हो तो आपके गले को गार्ड कर रहे होते हैं आपके यहाँ पे दो सिपाही, जिनको हम कहते हैं एडिनोइड्स। ये कोई भी बैक्टीरिया आ रहा होगा तो वो उसको ये फिल्टर करके गले में आपके वो सिक्रीशंस को जाने देंगे। अब क्या होता है कि जब एडिनोइड्स हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि दे हैव इंक्रीज्ड इन साइज सो मच कि दे हैव प्रैक्टिकली क्लोज्ड दिस स्पेस ऑफ। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि आपकी जितनी सिक्रीशंस यहाँ पे बिल्डअप हो रही है, अब ये पीछे गले की तरफ नहीं जा सकती। अब नेजल सिक्रीशंस का जब आपने ये वाला रास्ता बंद कर दिया तो अब नेजल सिक्रीशंस के पास एक ही रास्ता रह गया कि वो क्या है कि नाक के जरिए वो बाहर आना शुरू हो जाए। तो पहला सिम्टम एडिनोइड्स वाले बेबीज का क्या होगा कि वो है रनिंग नोज। कॉन्स्टेंटली आप देखें अगर आपके बच्चे का नाक बहर है तो वो एडिनोइड में पहला सिम्टम है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों में क्या होता है कि उन्होंने फीड करनी होती है। अब फीड करने के लिए उनका पूरा माउथ उनका इस्तेमाल हो रहा होगा। अब उनके पास जो एयरवे का पैसेज है वो सिर्फ नेजल पैसेज बच जाता है, बिकॉज वो नेजल पैसेज उनका बंद है। तो अब क्या होगा कि इस वजह से दे विल बी अनएबल टू टेक फीड और वो मेल नरिश होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि बच्चे वो अपनी माँ से मदर फीड नहीं ले रहे, उनका नाक अक्सर बहता रहता है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह एडिनोइड्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मदर फीड शुरू करेगा बच्चा, नाक पहले ही बंद है, रास्ता नहीं है, तो उसको फौरन अपनी मदर फीड छोड़नी पड़ जाती है। थर्ड चीज़ क्या होगी? अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा कॉन्स्टेंटली अपना मुंह खुला रखेगा। क्योंकि वो अपना मुंह कॉन्स्टेंटली खुला रखेगा, इससे अब उसकी बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। एक, अगर आप अपना खुद मुंह बंद करके थोड़ी देर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि आपकी टंग आपके पैलेट के साथ ऊपर आपके माउथ के ऊपर वाली जगह पे बार बार लग रही होती है। तो ये टंग का एक एक्शन होता है, ये पैलेट को मोल्ड कर रही होती है जो आपके माउथ का ऊपर वाला हिस्सा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसका पैलेट किस तरह का होना शुरू हो जाएगा? हाई आर्च्ड पैलेट, क्योंकि जो टंग का मोल्डिंग इफेक्ट है वो ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि उसने हर वक्त बच्चे ने अपना मुँह खोल के रखा हुआ है। फोर्थ चीज़ क्या होगी? फोर्थ, आप जब आप मुंह बंद करते हैं तो आपके सलाइवा पूरे आपके टीथ को वो अपने अंदर इनगल्फ करता है। उसको सलाइवा हैज अ वेरी गुड बैक्टीरियल इफेक्ट, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उनको पुअर डेंटिन हाइजीन उनकी होना शुरू हो जाएगी। फिर आप देखें कि इन बच्चों में इनका नाक इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब भी इंसान की नेचर है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और जब कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यूज़ इट और लूज़ इट, ये आपने प्रिंसिपल सुना होगा। तो इसमें भी ये होता है कि क्योंकि बच्चा अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा, उसकी नेजल कैविटीज़ इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो इनकी नाक बड़ी छोटी सी हो जाती है। इनके बाकी फेस से कंपेरेटिवली आपको लगेगा इन बच्चों की छोटी छोटी नाक है। इसको हम कहते हैं पिंच्ड इन नोज। पिंच्ड इन का मतलब है किसी ने उसकी नाक दबा दी हो, यानी छोटी सी नाक होगी उसकी, उसको मतलब नाक इस तरह किसी ने अंदर दबा दियो। सिक्स्थ, आप देखें कि जब वो हर वक्त वो अपना बच्चा मुंह खुला रखेगा तो उसमें सबसे बड़ी जो एफर्ट होती है वो उसके लोअर लिप की होती है। तो जिस तरह नाक इस्तेमाल ना करने से नाक छोटी होती जा रही, इसी तरह इन बच्चों का जो लोअर लिप है वो कॉन्स्टेंटली इस मुँह खुला रखने की एफर्ट की वजह से वो बहुत बढ़ जाता है साइज में, तो दे विल हैव अ लार्ज लोअर लिप। सेवन्थ, आप ये देखें कि जब ये इसका ये रास्ता बंद हो गया जहाँ पे नाक गले में खुलता है, तो यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आके खुल जाती है, वो क्या है? आपकी यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब इज द ओनली ड्रेनेज पॉइंट फॉर योर एंटायर मिडल ईयर। जब वो ड्रेनेज पॉइंट बंद कर देंगे तो फिर मिडल ईयर पूरा बंद हो जाएगा, चोक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मिडल ईयर इन्फेक्शन होंगे। एट्थ, अब बच्चा देखे
दिन के टाइम आपको पता है कि हर इंसान जब वो पैदा होता है तो दे आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीथर्स, वो नाक से सांस लेते हैं। बच्चा चले दिन के टाइम तो मुंह खोल के सांस ले भी लेगा, लेकिन रात को जब वो सो रहा हो तो वो कोई लर्नड बिहेवियर करना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा जब रात को सोने की कोशिश करेगा तो प्रॉपरली सो नहीं पाएगा। जैसे वो सोना शुरू होगा तो उसका जो लर्नड बिहेवियर है कि मुंह से सांस ले, वो उसका कम होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसको बार बार जाग आती रहेगी। तो दे हैव पुअर स्लीप। जब वो सोएगा नहीं तो फिर क्या होगा, नाइन्थ ऑटोमेटिकली दे हैव लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अक्सर आपको बच्चे मिलते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स टीचर उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं है, सुबह भी सोया रहता है, हर वक्त सुस्ता रहता है। तो उस लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह यह है कि उनकी नींद पूरी हो ही नहीं रही होती। फिर क्या होता है कि क्योंकि उनको सांस नहीं जा रहा, इस वजह से उनके ब्लड में ऑक्सीजन भी कम जाता है। क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम जाता है तो आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड फेरोशियसली पंप करना पड़ता है, ज़्यादा तेज़ तेज़ उस ब्लड को भेजना पड़ता है, ताकि वो ब्लड बार बार चक्कर लगा के जो ऑक्सीजन उसके पास अवेलेबल है वो फौरन पहुंचा सके। इस वजह से इन बच्चों में 10th चीज़ क्या होती है, इनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन बीइंग रीचिंग द एंड ऑर्गन्स की वजह से वो हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि ब्लड मोर फेरोशियसली पंप हो रहा है उसके अक्रॉस द बॉडी में। तो ये 10 बड़ी बड़ी चीज़ें जो एक एडिनोइड्स के बच्चे में होती है। एक और चीज़ ये होती है, क्योंकि इनका नाक कॉन्स्टेंटली बह रहा होता है तो ये हर वक्त अपने नाक को यूं करके साफ कर रहे होते हैं। इस वजह से इनकी एक यहाँ पे नेजल क्रीज सी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं नेजल सलूट। और फाइनली एडिनोइड्स हैं, तो एडिनोइड्स का एक ही हल है कि आप एडिनोइड्स को निकाल दो। जब भी किसी भी चीज को एंटी में निकालते हैं तो उसका क्या नाम होता है, एक्टमी। टॉन्सल हैं, टॉन्सल निकाला तो टॉन्सिलेक्टमी, पोलिप है, पोलिप निकाला तो पोलिपेक्टमी। तो एडिनोइड्स हैं, और अगर आपने एडिनोइड्स को निकालना है तो इस ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, एडिनोइड डेक्टमी। अच्छा, एडिनोइड्स 4-7 साल तक वो अपने साइज में बड़े होते हैं और 19 साल तक वो फिर कम होना शुरू हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने एडिनोइड्स का ऑपरेशन करना हो तो 3-5 ईयर्स ऑफ एज में आपको करना कर देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा अब 18-19 साल का हो रहा है तो तब आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म होने की तरफ जा रहे होते हैं और वो ख़त्म हो भी जाते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको एडिनोइड बहुत क्लियर हो गया होगा। कोई बात अगर रह गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।